क्या एक इंजीनियर क्या होता है? क्या एक इंजीनियर सिर्फ लड़का ही हो सकता है क्या? लड़की लोग इंजीनियर नहीं हो सकते हैं क्या? लड़की लोग इंजीनियर नहीं हो सकते क्या योगी? एक मिनट आप बताइए बेटा, आ रहा हूं। हाँ रिसर्च, यस बोलिए। अब आपका नाम बताइए। युगा, सॉरी। हाँ बोलिए बोलिए, पकड़िए बोलिए। पहले हंसी बाद में, या हंस लीजिएगा, मैं तब तक बाकी बाकी जगह सवाल पूछता हूँ। आप बताइए, सोचिए। यस हाँ, जो सबसे अलग होता है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, जो सबसे अलग होता है। यस अपने को नहीं पता, अपने को तो क्या है, इंजीनियर बन भी गया तो भी अच्छा नहीं बन गया, ऐसा है क्या कुछ? ये लो युगा, यस इंजीनियरिंग का संबंध डिजाइन से है। एप्पल कंपनी ने क्या किया, आपने देखा कभी एप्पल मोबाइल कहीं देखा आपने? है किसी के पास एप्पल मोबाइल? उसको देखिए उसके डिजाइन, मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी, वो भी रियलमी का ही है। और जितने बड़े बिजनेस में तो उतना सादा मोबाइल यूज, उसके पहले तो बटन वाला मोबाइल था, अभी मैंने वो इंटरनेट का लिया है। इंजीनियरिंग का संबंध डिजाइन से है, वेरी गुड। यस बेटा आप बताओ, सोचा आपने? अभी तक नहीं सोचा। यस व्हाट डू मीन बाय एन इंजीनियर? आप लोग स्टूडेंट ही है ना? हाँ नहीं तो ऐसा, कौन से ईयर में है ये सब? सेकेंड ईयर वाले हैं। अच्छा कौन से ब्रांच? अच्छा इंजीनियर का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है आपके पास, इंजीनियर का मतलब होता क्या है? आप फिर क्या काम करेंगे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाके, जब अपने को पता ही नहीं है? डॉक्टर होता है जो क्योर करता है, इंसान को क्योर करता है डॉक्टर। नर्स होती है वो असिस्ट करती है डॉक्टर को। एनेस्थीसिया जो होता है वो बेहोश करने का काम करता है, कुछ देर के लिए आपको बेहोश कर देता है। एक ईएनटी डॉक्टर होता है जिसका ईएनटी से संबंध होता है। ये इंजीनियर होता कौन है भाई? कौन होता है इंजीनियर? जो पहले बोला जाता था, जो इंजिन पे काम करता है, द पर्सन हु वर्क्स ऑन इंजीनियर इंजिन, दैट पर्सन इज नॉट एन इंजीनियर। लेकिन आज तो आईटी में लोग काम कर रहे हैं, एआई में काम कर रहे हैं लोग, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फिर वो इंजीनियर कैसे हो गए? तो इंजिन पे काम नहीं करते हैं। तो इंजीनियर की परिभाषा क्या है? अभी आप लोग अगले साल एक महीने के बाद आप जाएंगे सोसाइटी में, आप लोग सोसाइटी में जाएंगे, अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है कुछ लोग आगे डिग्री में भी जाएंगे, लेकिन मेरा वही सवाल है, ये इंजीनियर होता क्या है भाई? क्या काम करता है इंजीनियर? आमिर खान को पूछा गया जब वो फिल्म आई थी थ्री इडियट, तो थ्री इडियट कोई भी फिल्म आने के पहले ना कुछ लोगों को पब्लिक को दिखाया जाता है, डायरेक्ट थिएटर में नहीं जाती है, कुछ लोगों को दिखाया जाता है। तो वहां पर आमिर खान बैठे थे और प्रोड्यूसर बैठे थे, सभी लोग बैठे हुए थे, और उसमें कुछ वर्कर को बुलाया गया था, कुछ कंपनी से, अंधेरी से, यहां वहां से, एमआईडीसी से कुछ वर्कर लोगों को बुला के पिक्चर दिखाया गया। पिक्चर खत्म हो गई, उसमें से एक पर्सन हाथ उठाता है, बोले आमिर साहब एक सवाल पूछना है, इसमें तो आपको डिग्री मिली नहीं, फुनसुख बांगड़ू को डिग्री नहीं मिली, डिग्री किसके नाम पर थी? रणछोड़ दास छाछड़, अमीर जो जावेद जाफरी, जावेद जाफरी को डिग्री मिली। तो आप इंजीनियर कैसे बने? आपके नाम पे इतना पेटेंट कैसे हुआ? आपने ये स्कूल कैसे डाला? आपको इतना बड़ा इनोवेशन अवार्ड कैसे मिला? आपको पद्मश्री कैसे मिला? आप तो इंजीनियर नहीं है, नहीं था ना? आमिर खान इंजीनियर ही नहीं बना, उसके अंदर बना क्या? इंजीनियर की डिग्री किसको मिलती है? रणछोड़ दास छाछड़ को मिलती है, उसके नाम पर डिग्री रहती है, सब वही रहता है, फोटो वीटो सब उसी के नाम पर जाता है, इसके नाम पर कुछ भी नहीं रहता है। तो ये इंजीनियर बना कैसे? आज उसी पर मैं बात कर रहा हूं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। यस व्हाट डू मीन बाय एन इंजीनियर? कहां गए माइक? यस बोलिए, इंजीनियर का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? इंजीनियर कौन होता है? द पर्सन हु वर्क्स ऑन कंप्यूटर बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हॉलीवुड सर ने हमको बुला लिया इधर, नहीं ऐसा मन में आ रहा है क्या? मस्त बैठे थे उधर क्लासरूम के अंदर, ऐसा नहीं लग रहा आपको? चलिए क्या है बताइए, बहुत जरूरी, ये क्वेश्चंस आना जरूरी है, उसके बाद बाकी। आदि लगिन आदि लग्न कोंडास, ऐसा कुछ है ना? किसने बोला था ये? आदि लगिन कोंडास, हाँ तानाजी मालुसरे जी का, पहले यही तो मेन सीखना है आपको, नहीं तो सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, गढ़ आला पन सिंह गेला, ये नॉलेज नहीं जाना चाहिए साहब। बहुत मेहनत करके ये नॉलेज को हमने गेन किया हुआ है, दोनों पैरों को तोड़कर, दोनों पैर को तुड़वाकर अपने पैरों पे खड़ा, कौन सा पिक्चर का डायलॉग था ये? दोनों पैर को तुड़वाकर अपने पैर पे खड़ा होना सिखाओ साहब, था ना किसी में बोलता है ना? चलिए व्हाट यू मीन बाय एन इंजीनियर? यस द पर्सन हु इन्वेंट समथिंग, समथिंग डिजाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बताइए, अपने को तो क्या है, बस किसी ने बोला इसलिए आ गए। चलिए डेवलप समथिंग, समथिंग न्यू, कुछ हाँ कुछ क्रिएट करना। द पर्सन हु डेवलप समथिंग इन चीपर प्राइस, ओके सबसे कम प्राइस में कुछ नया डेवलप करना है, बाकी उसे कुछ
बाकी से अलग कुछ सोच रखता है वो इंजीनियर होता है। आप बताएंगे सर, जो लाइफ को सिंप्लीफाई करता है, जो लाइफ को सिंप्लीफाई कर देता है वो इंजीनियर होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं मिलियन डॉलर क्वेश्चन का आंसर। यू अप्रोच दैट समथिंग, आपने अप्रोच किया, जो कैमरा ये कर रहे हैं ना, उन्होंने अप्रोच किया द पर्सन। देखिए अगर आप सोचते कि इन्वेंट करता है, तो हर साल हम लोग 20 लाख इंजीनियर बनाते हैं। हर साल हमारा भारत 20 साल लगभग 20 लाख इंजीनियर बनाता है, लगभग 20 लाख इंजीनियर बनाता है। अगर आपकी परिभाषा जैसे आपने बोला, जो डिजाइन करता है, इन्वेंट करता है, नया खोजता है, ये करता है, वो करता है, तो 20 लाख नया इनोवेशन होना चाहिए ना हर साल। हर साल युवा नया जो है इन्वेंशन 20 लाख होना चाहिए। होता है क्या 20 लाख? आपको कितना इन्वेंशन याद है? जीरो छोड़ दो, सब ठीक है, जीरो हो, आगे बढ़ने के। आपने क्या किया, आपके युग में क्या हुआ बताइए ना? एप्पल किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? कहीं से बाहर से आ रहा है। चाइना रोज एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट करता है, चाइना रोज एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट करता है और हम लोग यूज करते हैं। आया क्या कुछ चाइना का कुछ बताओ ना, मोबाइल आया क्या? चार सिम कार्ड वाला मोबाइल आया क्या? अरे छोड़ो ना, अपन ही बनाते ना, किसका राह देख रहे हैं? अपन ही कुछ डेवलप करते ना, जिंदगी नाकामियों के नाम ना हो जाए, चलो कुछ अच्छा काम कर जाए। जिंदगी नाकामियों के नाकाम नाम ना हो जाए, चलो कुछ अच्छा काम कर जाए। तुझे संभाल कर रखा था जिंदगी, तू मुफ्त में कहीं बदनाम ना हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है? नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है ये? हाँ, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है बताना मत अभी, क्या है ये? कौन बताएगा क्या है? किसी ने बोला ना, इंजीनियर हट के सोचता है। जो आदमी कॉमर्स की पढ़ाई करता है वो अपने बेटे का नाम ये रखा है, जिसने कॉमर्स की पढ़ाई किया है। कौन बोला था कि इंजीनियर सबसे हटके, इंजीनियर सबसे हटके सोचता है वो आदमी? उसने तो तमाचा मारा इंजीनियर लोगों को। 20 लाख इंजीनियर जो हर साल यहाँ पे बनते हैं, उनके लिए तमाचा था। एक कॉमर्स पढ़ने वाला आदमी स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाता है, रॉकेट साइंस जो है ना, रॉकेट जो यहां से रॉकेट ऊपर जाता है और रॉकेट नीचे आता भी है, यानी ये रिक्शा आपको लेकर भी जाएगा स्टेशन और स्टेशन लाके यहाँ पर छोड़ता भी है। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, एकदम रॉकेट गिला की जाला आता, बाय बाय छोड़ो अभी अपने को क्या है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बनाया जो ऊपर जाता भी है और रिटर्न आता भी है। उसके बच्चे का नाम है ये, अब ये क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके बच्चे का नाम है ये, एलन मस्क के बच्चे का नाम है ये। हमें कुछ हट के सोचना है, हमें कुछ हट के सोचना है, हट के करना है। आप लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट इन्वेंट करता है, डिजाइन करता है, कितना आपको प्रोडक्ट याद है बताइए ना? 20 साल जाने दो, कितना साल आपका जो भी उम्र होगा उसमें से 5 साल में भारत ने कितना इन्वेंशन किया है? कौन सा इन्वेंशन आपको याद है? मिसाइल, चलो ठीक है, मिसाइल मैन डॉक्टर बाबा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हमको मालूम है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स किसने बनाया? हाँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, पता नहीं किसने बनाया लेकिन बनाया। आप देखना, स्टडी करना। मैं खुद में एक कंपनी में डायरेक्टर, उस कंपनी में गोगो A1 शिंदे साहब की कंपनी है, श्रीकांत शिंदे, वो श्रीकांत शिंदे नहीं, ये दूसरे श्रीकांत शिंदे, उनकी कंपनी में वहां पे एडवाइजरी पोस्ट पर हूँ, तो मैं उनके साथ काम करता हूँ। और हम लोग आपको अंदर की बात बता रहे हैं, आधा प्रोडक्ट हमारा क्या करेंगे यहाँ पर बनता नहीं है, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं इन्वेंशन की। कितना इन्वेंशन किया हमने? चंद्रयान बनाया, और उसके बाद वही ना साल में एक दो प्रोडक्ट दिखाई देंगे आपको, तो रोज बनाना है एक प्रोडक्ट। यहाँ पे इतना एनर्जी है, भारत ऐसे युवाओं का देश है, मुझे क्या जरूरत है 9 कंपनी बनाने की? मेरा एक कॉलेज से मेरा पेट भर रहा था, अच्छा सैलरी मिल रहा था, हैंडसम सैलरी मिल रहा था, मस्त कैबिन था, सब थे, पानी भरने के लिए पर्सन था, पानी भर के देता था, बच्चे थे, उसको थोड़ा दादागिरी किया तो पूरा मेरा किताब लिख के देता था। लेकिन नहीं साहब, कुछ तो भी करके जाना है, ऐसा मरना नहीं है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे? आपको कौन रोक रहा है, आपको कौन रोक रहा है, आपको रोकने वाला कौन है साहब? कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। हमारे अंदर की कुछ अज्ञानता है, इसलिए हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बोलते थे, पहले शिक्षित बनो,
सबसे पहले आपको शिक्षित बनना है, कुछ भी हो जाए पहले शिक्षित हो जाइए। आप लड़की है लड़का है कोई लेना देना नहीं, पहले शिक्षित बनिए, उसके बाद संगठित होइए। आपको एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाना है और उसके बाद संघर्ष करना है। किसके साथ? अपने कुछ अज्ञानता के साथ। हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, मेरे अंदर शायद मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता हूं, लेकिन मेरा भाई अच्छा गाना गा सकता है, उसको साथ में लूंगा। मैं अच्छा बजा सकता हूं, मैं गाने अच्छे बजा सकता हूं, वो गाना गाएगा मैं बजाऊंगा। फिर मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा डांस कर सकता है, मैं उसको साथ में लूंगा। ऑर्केस्ट्रा पार्टी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा? जब हम संगठित होंगे, जब शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और अपने ही अंदर कुछ निगेटिविटी से संघर्ष करेंगे। इंजीनियर की परिभाषा में आपको बता रहा हूं, साहब इन्वेंशन सब अच्छी बात है, इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं क्या इन्वेंशन? क्या करोगे अगर आप इंजीनियर बन गए? क्या करोगे बताओ, क्या इन्वेंशन करेंगे आप? चलो बन गए इंजीनियर, हो बन गया, डिग्री मिल गया आपको, एक महीने में डिग्री आ गया। मैं बोलता हूं ना बन जाएंगे, 20 लाख लोग बनने वाले तो आप भी बन जाएंगे, चलो। लेकिन उसके बाद क्या करना है अपन? हाँ, क्या बनाएंगे, क्या डेवलप करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे? हाँ सोचो ना, अभी किसकी राह देख रहे हैं आप? अब कोई अवतार नहीं आने वाला है, अब कोई अवतार नहीं आने वाला है, अपने को ही मसीहा बनना है। आई एम नॉट मसीहा, किसने लिखा है किताब? आपके ही बिरादरी का है, आपके ही बिरादरी का है, सोनू सूद ने लिखा किताब, आई एम नॉट मसीहा। लोग उसको मसीहा बनाने लगे थे, मंदिर बनाने लगे थे, उसके नाम के मंदिर बन रहे थे, लास्ट में किताब लिखना पड़ा, आई एम नॉट मसीहा, आई एम सिंपल इंजीनियर। बाद में मेरे को पिक्चर का शौक हो तो मैं पिक्चर में आ गया। आप क्या करोगे? चलो आप इंजीनियर बन गए, क्या करेंगे आप? जय सतगुरु, बोलिए बोलिए। हाँ यही हम सोचे ही नहीं रहे, हम सोच ही नहीं रहे साहब, मालूम नहीं क्यों, किसकी राह देख रहे हैं आप, कौन आने वाला है? थोड़ा सा बाहर निकले, मैं एक दिन भी ऐसा वेस्ट नहीं करता हूं, रोज कुछ आज ये करने का, अभी ऐसा करने का, क्या जरूरत है इंटरनेशनल प्ले स्कूल डालने की? हमने क्या ऐसा स्कूल बनाया हुआ है जहां का हर एक लड़का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनेगा। विश्व का पहला स्कूल है वो, विश्व का पहला स्कूल है जहां पे हर एक लड़का एरू गैरू नथु गैरू जो भी लगता है, अरे माजा मुलगा ना काय करता है, बगा कैसा है, लेके आओ मेरे पास, मैं उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के छोड़ूंगा। नॉलेज तो मिलेगा, ABCD EFG तो जिंदगी भर सीखेगा। आज अगर वो बन जाता ना ब्रांड, तो बस फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, कहीं पर भी जाओ, लोग बोलेंगे देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लड़का, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जब ये नर्सरी में था तब इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हम लोग वो चीज लेके आ रहे हैं मार्केट में, हम वो ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हमने एक ऐसा कैप्सूल बनाया हुआ है सर, हमने एक ऐसा कैप्सूल बनाया हुआ है, वो कैप्सूल को अगर पानी में डालेंगे पानी गर्म हो जाएगा। एक ऐसा कैप्सूल है उसको पानी में डालना है, पानी गर्म हो जाएगा। उस पर पेटेंट पे काम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का बंद हो गया, अभी जर्मनी से पेटेंट कर रहे हैं, 4.5 लाख रुपया खर्चा है उसको, कोई बात नहीं पेटेंट मिल जाएगा अपने को, पेटेंट मिल जाएगा। कैप्सूल लेना है, कैप्सूल को पानी में डालना है, मम्मी बोलेगी ऊर्जा दिनेश 4 कैप्सूल डाल दिया है पानी में, 4 कैप्सूल, वो बोलेगी गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी नहीं बोलेगी, वो बोलेगी चूल्हा पे वो गैस पे गर्म पतेला रखा है, वो आप ऐसा नहीं बोलेगी, आप क्या बोलेगी? ऊर्जा 4 कैप्सूल पानी में डाल दिया है, ऐसे डालोगे। लेकिन मैंने ये पानी गर्म करने मैगी वीगी के लिए नहीं बनाया साहब, BSF में हमारे जवान लोग काम करते हैं, बर्फ में खड़े होकर ठंडे में रह के वो लोग काम कर रहे हैं। उनको अगर गर्म पानी पीना है, उनको चाय पीना है, कॉफी पीना है, कुछ तो भी गर्म खाना है, सोचिए उनके पास वो थर्मस होता है, थर्मस में एक कैप्सूल डालेंगे पानी गर्म हो जाएगा। है ना आइडिया? आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा ऐसा? आपके दिमाग में मेरे से अच्छा आइडिया आएगा। मैंने एक डायरी का निर्माण किया है, हमने डायरी से उसको वर्चुअल बना के हमने यूट्यूब पर डाल दिया, इस पर डाल दिया, फटाफट ऑर्डर आने शुरू हो गए, 25 डायरी हमने ऐसे ही भेज दिया। नया साल आने के पहले ही 2000 रुपए का डायरी था, 35 डिस्काउंट था, कुछ मेरे ख्याल से कुछ 1350 रुपए में हमने डायरी भेज दिया, कुछ भी नहीं था उसमें, सिर्फ हमने एलन मस्क का ही सिस्टम लिया, उसको बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग मेथड। टाइम ब्लॉकिंग मैंने पहले अप्लाई किया 1 साल, मुझे उसका रिजल्ट मिला, अब मैं बोला चलो दूसरों को देते हैं। ये आप नहीं कर सकते हैं क्या? और डोंट वेट फॉर योर फाइनल रिजल्ट, आज से इनोवेशन कर दो ना यार। सचिन टेके का नाम सुना है क्या किसी ने? सचिन टेके, लेकिन उसका ऐप सबके मोबाइल में है, सचिन टेके का ऐप सभी के मोबाइल में है। आप बताओ, आप बहुत टैलेंटेड है सचिन टेके, चलो कोई बात नहीं। म्हणजे कसं आपला मराठी माणूस है ना, आपण काय मराठी माणूस जास्त लक्षात ठेवत नाही, ये हमारे देश की विटंबना है, लेकिन उसका ऐप आपके मोबाइल में है, 100% होगा। अगर मैं नाम लूंगा ना, चले आप बताइए, दो तीन ऐप बताइए, देखो यूट्यूब, व्हाट्सएप,
फेसबुक, अरे वो जरूरी है यार, ये सब टाइम पास है और क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, टेलीग्राफ, गूगल, खड़े जाइए, कम 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 आइए बेटा, आ जाइए, आइए जल्दी से आइए, अरे आइए सर, इनका हाथ पे